फोन किया, उससे बात किया, फिर उसने किसी हमको कोई एड्रेस एड्रेस बताया। फिर हम लोग उस गांव में दूसरे गली से घुसे, फिर वहीं पे उसका गाड़ी मिला हमें। फिर हम लोग पीछे उतर गए और बाबू साहब गाड़ी लेके आगे चला गया, हम लोग उसके रैली में चले गए। तुम लोग उसका साथ चलने लगा? हाँ जी सर। फिर उसके साथ गए, फिर थोड़ी दूर चले, फिर एक दूरा पे वो बैठा। हाँ। एक दूरा पे बैठे हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ से उठ के वो हल्का दूर चला, फिर जैसे ही थूक फेंकने गया किशन उस पर गोली चलाने लगा। बगल से, दूर से कि नज़दीक से? हल्का दूर से नहीं, नज़दीक से ही सर। नज़दीक से जी सर। उसके बाद फिर मैं चलाने लगा। तुम कितना गोली चलाए? दो गोली सर। तीसरा में मेरा 7 के पिस्टल फंस गया। फंस गया जी सर। ये वाला तुम्हारा है कि उसका है? जी सर मेरा है ये वाला। यही फंस गया था? जी सर। और उसके बाद क्या किया तुम? उसके बाद सर मैं चलाया तो फंस गया, उसके बाद पब्लिक आके मुझे पीटने लगा। अच्छा, इसका किस दूसरा जो किशन था वो कितना गोली चलाया? वो सर मैं गिनती नहीं पाया सर, वो चला के सीधे भाग गया सर। अच्छा, तुमको लगा वो भाग गया? जी सर। और तीसरा जो था तुम्हारा बाबू साहब, वो बाइक लेके भाग चुका था सर। कुल तुम लोग कितने आदमी आए थे? 3 आदमी सर। नाम बताओ तीनों का। बाबू साहब, नीरज पाठक और किशन उर्फ गौरी शंकर महाराज। तुम कौन हो? नीरज पाठक। और गौरी शंकर महाराज जो है? जी सर। किससे जुड़ा हुआ है? विकास झा कालिया से। और तुम भी उसी से जुड़ा हुआ है? जी सर। तुमको कितना पैसा बोला था देंगे काम के बाद? काम के बाद इतना पैसा देंगे जो खुश हो जाएगा। तुम कितना सोचा था? जैसे हम सोचे 5-6 लाख मिल जाएगा। ठीक जी। सोनेगा थाना अंतर्गत हथसार गांव में परसों यानी कि 24/10 को शाम में, जैसा कि आप सभी को पता है, जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह जब चुनाव के प्रचार के दौरान भ्रमणशील थे, उस समय कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो कि समर्थक के रूप में उनके साथ भ्रमणशील थे, और उन्होंने मौका पा करके नज़दीक से गोली चलाया और उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए विशेष अनुसंधान दल बनाया और पारंपरिक और जो इसका टेक्निकल सपोर्ट होता है उसको लेते हुए कांड का पूर्णतः सफल उद्भेदन कर दिया है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये कांड पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंद्वता को लेकर कारित की गई, और श्री नारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो एक उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, और मेरे पास उनका 30 कांडों का, गंभीर कांडों का आपराधिक इतिहास है जो आप सबों को दे दिया जाएगा। तो इस कांड का मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी विकास झा उर्फ कालिया, जो कि संतोष झा गिरोह का सरगना आदमी बन चुका है संतोष झा की मृत्यु के पश्चात, उसे ये लगता है कि संतोष झा की हत्या में श्री नारायण सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की वित्तीय भागीदारी, और उसको इसके लिए जिम्मेदार मानता है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी, और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया, और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है, पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था, और 2.5-3 महीने से इनने 3 लोगों को हायर किया था, जिसमें कि गौरी शंकर महाराज और किशन झा जो कि सीतामढ़ी के हैं, रूनी सैदपुर मानिक चौक से, दूसरा नीरज पाठक और तीसरा बाबू साहेब झा, और विकास झा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठ करके इन लोगों से कोऑपरेट करता है। इन्हें इसके लिए लगातार लगाया गया था, इन लोगों के द्वारा मारने के लिए पटना भी ये लोग रहे थे।